रियलमी के डिवाइसेस में हमें जो फीचर्स देखने को मिल जाते हैं वो काफ़ी एडवांस फीचर्स देखने को मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू दी शाओमी के डिवाइसेस। तो यहाँ पर मैंने किसी ओप्पो का डिवाइस में देखा है कि उस डिवाइस की हम रैम को एक्सपांड कर सकते हैं, रैम की साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, 8GB to 13GB तक हम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। आई थिंक सो जो है एक स्वैप पार्टीशन क्रिएट करके हम जो उसको उसकी रैम को इंक्रीज़ कर सकते हैं। एंड ये जो फीचर्स हैं हमें रियलमी के एंड ओप्पो के डिवाइसेस में देखने को मिल जाते हैं, शाओमी के किसी भी डिवाइसेस में इस टाइप के फीचर्स हमें देखने को नहीं मिलते। पर्सनली मुझे ये जो डिवाइसेस है रियलमी के एंड ओप्पो के फीचर्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर दोस्तों आज मैं एक फीचर आपको बताने वाला हूँ जो कि हमें रियलमी के डिवाइसेस में देखने को मिल रहा है। ये मेरे पास रियलमी C3 डिवाइस है एंड ये जो डिवाइस है यहाँ पर रियलमी UI 2.0 पर मैंने अपग्रेड कर ली है। एंड इस डिवाइस में ये फीचर हमें देखने को मिल रहा है। रियलमी C20 जो डिवाइस है उस डिवाइस में भी हमें ये फीचर देखने को मिलता है रियलमी UI 1.0 पर। एंड मेरे पास यहाँ पर जो रियलमी C3 डिवाइस है ये ऑलरेडी यहाँ पर रियलमी UI 2.0 पर अपग्रेडेड है। तो अगर आपके पास रियलमी की कौन सी भी डिवाइस है जो रियलमी UI 2.0 पर अपग्रेडेड है उस डिवाइस में तो ये फीचर आपको ज़रूर से देखने को मिल जाएगा। मगर फिर भी अगर पास रियलमी UI 1.0 तो एक बार जाके चेकआउट कीजिए, ये फीचर शायद हो सकता है आपको भी देखने को मिल जाए, क्योंकि मेरे रियलमी जो C20 डिवाइस है उस डिवाइस में मुझे देखने को मिल रहा है। तो सिंपली फीचर कौन सा मैं आपको दिखा दूँ, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली आपकी डिवाइस की सेटिंग को ओपन करना है। एंड सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको जाना है रियलमी लैब में। जैसे आप रियलमी लैब में जाते हो यहाँ पर आपको एक फीचर देखने को मिल जाता है जो कि है ड्यूअल मोड ऑडियो का। बेसिकली इस फीचर का यूज़ क्या है मैं सबसे पहले ये आपको बता देता हूँ। इस फीचर में दोस्तों सिंपली आप एट ए टाइम ब्लूटूथ एंड जो अभी आपका वायर वाले डिवाइस है उनको दोनों डिवाइस को साथ ही साथ यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट कर लिया जो कि मेरे पेट्रॉन के नेक बैंड से, एंड साथ ही साथ यहाँ पर मैंने जो वायर वाले ईयरफोन से उनको भी कनेक्ट कर लिया। एंड ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर वर्क करे, दोनों साथ में यहाँ पर वर्क करेंगे साइमल्टेनियसली। जैसे आप ड्यूअल मोड को ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं कुछ इस टाइप के। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया आप जो भी वायरलेस डिवाइस है उनके साथ साथ वायर वाले डिवाइस दोनों को भी एट ए टाइम यूज़ कर सकते हो। ये जो फीचर है वो ये उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है जो क्रिएटर लोग से उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि सिंपली वो माइक को कनेक्ट कर सकते हैं विथ वायर एंड वायरलेस वो उनके जो ईयरफोन से उनसे चेकआउट कर सकते हैं जो भी उन्होंने रिकॉर्ड किया है, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो इस फीचर का यही यूज़ है, आप एट ए टाइम दोनों भी डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हो वायरलेस एंड विथ वायर, दोनों भी डिवाइसेस को आप एट ए टाइम यूज़ कर सकते हो। दोनों भी डिवाइसेस से आपको यहाँ पर मीडिया आउटपुट देखने को मिल जाएगा। एंड ये काफ़ी एडवांस फीचर है एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर हमें रियलमी के डिवाइसेस में देखने को मिल जाता है। सो एक बार जाके चेकआउट कीजिए, आपके सेटिंग में जो रियलमी लैब है उसमें आपको फीचर देखने को मिलता है। सबसे पहले तो आपको ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट कर लेना, बाद में आपको आपकी जो भी वायर वाले डिवाइस है उसको कनेक्ट कर दीजिए, उसके बाद में ये फीचर आपके डिवाइस में जो यूज़ होना शुरू हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।